नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शहडोल पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहडोल को संभाग हमने बनाया, यहां आए बिना हमारा चुनाव प्रचार पूरा नहीं होता। चुनाव इसलिए होते हैं जिससे सड़क, पुल, पुलिया, बस स्टैंड, पार्कों का निर्माण हो जाए और गरीबों का जीवन सुधर जाए। बीजेपी सरकार ने शहडोल में मेडिकल कॉलेज खोला, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के जमाने में कोई सड़क जाता था तो गाड़ी भी टूट जाती थी और शरीर भी। कमलनाथ तो कहते थे उनके पास पैसा ही नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि हमारे पास विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। धनपुरी में अमृत 2 में 11 करोड़ रुपए और देने वाला हूं। धनपुरी के साथ ही बकोहो को भी आदर्श और विकसित शहर बनाएंगे। उन्होंने तो कभी विकास किया ही नहीं। उनके जमाने की सड़कें आ जाती है तो हालत खराब हो जाती है। अगर कोई रीवा सीधी से शहडोल आता था तो गाड़ी भी टूट जाती थी और हड्डियां भी चटक जाती थी। ये 2003 के पहले देख लो क्या हाल। उनने बर्बाद किया और हमने आबाद किया। कमलनाथ गुस्सा हो रहे थे अधिकारी कर्मचारियों पे, मैं देख लूंगा। अरे रस्सी जल गई, बल नहीं गया, तुम क्या रोकोगे? जनता ने तुम्हें ही देख लिया, तुमने किया क्या? उन्होंने तो कभी दिखा